हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कांताज रेसिपी। आज की हमारी रेसिपी है मिनी कपकेक्स। इन्हें आप सिर्फ 7-8 मिनट में बना पाएंगे विद प्रिपरेशन। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, केक बनाते समय आप सबसे पहले ये ध्यान रखें सारा सामान रूम टेम्परेचर पर हो। केक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है, उसमें मैंने एक छलनी रखी है। इसमें मैं डाल रही हूँ 5 टीस्पून मैदा। ये जो नॉर्मल चम्मच हम घर में यूज़ करते हैं वही चम्मच है, आप इसी चम्मच से मेजर करें। अब मैं एक छोटी चम्मच से डाल रही हूँ 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर और इसी चम्मच से डालूँगी 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, जो मीठा सोडा होता है वो। सोडा आप ज़्यादा ना डालें। अब इसी चम्मच से मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच चीनी। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो 1 या 1/2 चम्मच बढ़ा सकते हैं। अब इसे छान लेंगे, इससे ये होगा कि ये सारा सामान जो है एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब मैं उसी चम्मच से डाल रही हूँ 4 टीस्पून बटर। आप चाहें तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ये डाल रही हूँ मैं 1/2 कप दूध, जो नॉर्मल हम चाय के लिए कप यूज़ करते हैं वही कप है। अब मैं इसमें डालूँगी 2 टीस्पून दही। ये वही चम्मच है जिससे हमने मैदा लिया था। अब मैं इसमें डालूंगी वनीला एसेंस, ये 3 या 4 बूंद होगा। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कलर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद हो तो आप डालें, ना चाहे तो ना डालें। इसको इस तरह से पानी में घोल के और फिर हम इसके अंदर डाल देंगे। मुझे जस्ट कलर अच्छा चाहिए इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर टूटी फ्रूटी, लेकिन पहले इसके अंदर मैं थोड़ा सा मैदा डालकर इसको डस्ट कर लूँगी। इससे ये होगा कि जो सारी टूटी फ्रूटी है वो केक के तले में जाके नहीं बैठेगी, जहाँ हम इसको सेट करेंगे वहीं रहेगी। ये इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बैटर तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको बॉल में डाल रही हूँ। आप चाहे तो कप में या जो मफिन्स वाले मोल्ड होते हैं उसके अंदर भी डाल सकते हैं। मैं छोटे छोटे बना रही हूँ इसलिए मैंने इतना ही बैटर डाला है इसके अंदर। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी टूटी फ्रूटी डाल रही हूँ। अब मैं इसे ओवन में 2 मिनट के लिए बेक करूँगी, जो माइक्रोवेव होता है उसके ऊपर। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसे कढ़ाई में भी बना सकती हैं। वो आप कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। इसे 2 मिनट के लिए सेट करें। फ्रेंड्स, ये जो टूटी फ्रूटी हमने केक में यूज़ की है वो होममेड है। अगर आप भी ये बनाना चाहते हैं घर पे तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। कढ़ाई में केक बेक करने के लिए सबसे पहले आप गैस पर एक कढ़ाई रखें, उसको गर्म करें, फिर उसके अंदर नमक डालें। ये जो नमक हम यूज़ कर रहे हैं उसको यूज़ करने के बाद फेंकने की ज़रूरत नहीं है। इसे ठंडा होने के बाद आप डब्बे में भर के रख लीजिए। जब भी आपको कुछ और बेक करना हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं एक स्टैंड रख रही हूँ, कोई भी स्टैंड या जाली रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अपना जो केक टिन है हम इस तरह से उसके ऊपर रख देंगे और इसको कवर करके बेक करेंगे। अब जो कप केक मैंने बनाया है वो उसे इसके अंदर हम 10 से 12 मिनट के लिए बेक करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, हमारा केक जो है बेक हो गया है। ये देखिए ये कितना सुंदर बेक हुआ है, जितना हमने बैटर डाला था उससे जस्ट डबल हो गए हैं ये। उनका कलर भी बहुत सुंदर आया है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो ये सेम रेसिपी चॉकलेट चिप्स के साथ भी बना सकते हैं, बस उसमें कलर ना डालें। अब मैं इस केक का टेक्सचर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसका जो केक का जो टेक्सचर है कितना सुंदर है, आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और फ्लफी बना है ये। तो फ्रेंड्स, आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, अपनी फैमिली को बना के खिलाएं। पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मैंने जो सामान लिया था उससे ये 4 मिनी केक बने हैं। अगर आप ज़्यादा बनाएं तो क्वांटिटी बढ़ाएं।